चंद दिनों से केएसएस नामी एक ट्रैवल एजेंसी की जानिब से जो सारे मुल्क में हालात पैदा हुए हैं वो बेहद ही अफसोसनाक है। मजहब की आड़ में और ख़ासकर ज़्यारतों के लिए और उम्रे के लिए जिस तरह से ज़ाहिरीन का इस्तेहसाल किया जा रहा था वो शदीद मज़म्मत के काबिल है। केस इस्लामी तंजीम जो कि सारे मुल्क में ज़ायरीन को ले आने के लिए इराक, ईरान और उम्रे के लिए जिस तरीके से पैसे वसूल कर रही थी और जो पासपोर्ट वसूल कर रहे थे जो बहुत ही कम पैसों पर, वो सुनकर मुझे भी ताज्जुब हुआ कि 18,000, 25,000 और 35,000 में ज़्यारतें या उम्रा कैसे हो सकता है। और इस पर कई लोगों से मैंने खुद कहा कि इसके पीछे बहुत ही बड़ा स्कैम होगा और सबको एहतियात करने के लिए मैं कई लोगों को मशवरा दे चुका हूं, लेकिन हुआ वही जिस बात का डर था। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कई जायरीन और ख़ासकर गरीब जायरीन कम पैसों के हिसाब में जो ज़्यारतें और उम्रे के लिए ले जाने की जो स्कीम बताई गई थी उसमें कई गरीब जायरीन बहुत बुरी तरीके से ठग दिए गए। अभी 32 जायरीन जो इराक में फंसे हुए थे जो केएसएस की जानिब से ज़्यारतों के लिए इराक को गए हुए थे, यूँ समझिए कि वहाँ पर होटल में महरूस हो गए थे क्योंकि इनके पास खर्चे के लिए भी पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। और केएसएस हमेशा से जाने का टिकट तो ज़ायरीन के लिए अरेंज करता था लेकिन वापसी की कोई तारीख तय नहीं होती थी और वापस कब ज़ायरीन आएंगे वो पता भी नहीं चलता था। चुनाचे उसी वजह से 32 जायरीन जो इराक में फंसे हुए थे मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इस ज़िमन में हमारी मरकजी वजीर खारिजा सुषमा स्वराज जी को इस ज़िमन में नुमाइंदगियाँ की गई थी ट्विटर के ज़रिए से और कई ज़राए से। चुनाचे मैंने भी इस ज़िमन में सुषमा स्वराज जी को एक लेटर रवाना किया था। बहुत खुशी की बात है कि वो ज़ायरीन बहिफाजत हमारे मुल्क को लौट आए और हैदराबाद लौट आए। मैं इस ज़िमन में इराक में इंडियन एम्बेसी और हमारी बरकती वजीर सुषमा स्वराज जी और मरकजी हुकूमत को बहुत ही धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि मैं मुसलसिल देख रहा हूँ इराक के जब हालात ख़राब हुए थे दाइश का कब्ज़ा हो चुका था उसी दौरान हिंदुस्तान के कई अफराद वहाँ पर फंस गए थे, नौकरियों में और ज़्यारतों में गए थे, फंस गए थे। उस वक्त भी मरकज़ की बीजेपी हुकूमत और सुषमा स्वराज जी ने खुसूसी तवज्जो देते हुए जिस तरीके से दाइश का जो कब्ज़ा था जबकि वहाँ पर खुद इराकी महफूज नहीं थे लेकिन वहाँ से
बेहिसाब हिंदुस्तानियों को मुल्क हिंदुस्तान वापस ले आएगा। मुसलसिल भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत, अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और खासकर मरकजी वजीर सुषमा स्वराज जी का, जब से वो मरकजी वजीर खारिजा बनी है, 4 साल से अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, शायद इससे कबल हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि कोई वजीर खारिजा इस तरीके के इकदाम नहीं किया है। और भी मैं एक बात कहूंगा कि जब मरकज में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कायम हुई थी, मरकजी वजीर खारिजा सुषमा स्वराज जी थी, तो उस वक्त मुझे याद है कि स्टार्टिंग गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और उसी वक्त सऊदिया में दो आदमियों को जेल में डाल दिया गया था और वहां से मुझे नुमाइंदगी वसूल हुई थी कि वो बहुत परेशान है और सुषमा स्वराज जी को और मरकजी हुकूमत को नुमाइंदगी करके उनको छुड़ाया जाए। इस जमन में मुझे याद है, 2014 की बात है ये, तो उस वक्त मैं, हमारे रियासती सदर किशन रेड्डी जी थे और किशन रेड्डी जी और मैं मिलकर सुषमा स्वराज जी को गल्फ के हालात और वहां पर जो आए दिन गल्फ में जो तकालीफ होते हैं हिंदुस्तानियों को, जिमन में तहरीरी नुमाइंदगी की थी और साथ ही वो दो आदमी जो जेल में थे उनका भी जिक्र किया था। उसी जिमन में मरकजी वजीर सुषमा स्वराज जी ने इमीडिएटली एक मदद साइट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चालू की ऑनलाइन। चाहे कोई भी तारिकीनी वतन या हिंदुस्तान में रहने वाले बैरूने ममालिक में अगर कोई तकलीफ हो तो वो डायरेक्टली तौर पर मदद दें, उसके लिए ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। जब से ये मदद का, यानी उसका हमें जवाब भी आया था, बाबा लेटर आया था कि आप लोगों की नुमाइंदगी पर मैंने ये मदद की साइट चालू की है, लिहाजा इन फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर हिंदुस्तान के बाहर किसी को दरपेश आए तो मदद के द्वारा ऑनलाइन कंप्लेंट किया जाए तुरंत ही, इन्हें विद इन 1 वीक उसका जो भी है इन्हें हल निकाला जाएगा और उसका काम किया जाएगा। चुनाचे अभी भी हैदराबाद में भी कई लोग इस जिमन में मदद के द्वारा ही कंप्लेंट कर रहे हैं। तो आज ये भी जो कंप्लेंट हुआ है मदद के द्वारा भी हुआ है, इन्हें लेटर के द्वारा भी हुआ है और ट्विटर के द्वारा भी हुआ है। और इस जमन में ये जो 32 लोग वापिस आए हैं उसके लिए तो मैं मरकजी वजीर और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं मरकजी हुकूमत से, खासकर वजीर खारजा सुषमा स्वराज जी से, मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह जी से और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूंगा कि आज स्पेशली शिया जायरीन जो ज्यारतों के लिए इराक और ईरान जा रहे हैं, उनके लिए कोई फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए। जैसा कि मुझे इत्तला है कि बॉम्बे में भी एक एजेंसी काम कर रही है, कुछ AS या कुछ ऐसी नाम है उसका, तो वो एजेंसी के द्वारा भी जो लोग जा रहे हैं वो जायरीन को काफ़ी तकालीफ होते हैं और काफ़ी तकलीफ से वो ज्यारतें करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा मरकजी वजीर सुषमा स्वराज जी से कि आइंदा जो जायरीन जाए और जो भी एजेंट ले जाए, जैसा कि उमरा के लिए, हज के लिए और रिक्रूटिंग के लिए जिस तरीके से एजेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी तरीके से जो ज्यारतों को ले जा रहे हैं एजेंट्स, उनको भी अगर रजिस्ट्रेशन ना हो तो उनको टूर ले जाने की इजाज़त ना दी जाए।
क्योंकि ये जरूरी है, नहीं तो ऐसे कई केसेस पैदा होंगे इस मुल्क में। और जैसा बॉम्बे में एक तंजीम एस के नाम से कुछ ऐसा काम कर रही है, तो वो भी समझो आप सारे मुल्क में काम कर रही है, लेकिन उसके भी काफी कंप्लेंट्स हैं। तो आइंदा के लिए ये एहतियात जरूरी है, क्योंकि एक 32 आदमी तो वापिस आ गए, और आइंदा अगर इसका कोई सद्देबाब नहीं निकलेगा, उसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा, और कोई रजिस्टर्ड यानी एजेंसी नहीं बनेगी यानी ले जाने के लिए जायरीन को, तो इसी तरीके से लोग ठगते जाते रहेंगे। और मरकजी हुकूमत को बार बार इस जिमन में समझो आप पहल करना पड़ेगा। तो देर आए यानी कोई भी चीज़ यानी दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि जो जायरीन को जो एजेंसीज दे जा रहे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन लाजिम मरकजी वजीर ये कर दें। ये मैं मुतालबा करता हूँ, क्योंकि ये जायरीन के लिए और मुल्क के जो शहरी हमारे ज्यारतें करने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा इकदाम होगा। मुझे याद है कि 2014 में मेरी नुमाइंदगी पर जैसा कि शिया हाजी जो हज के लिए जाते हैं, मीखात में वो अहराम बनते हैं और मदीने में जाकर उतरते हैं, और उन हाजियों से 1600 रुपये जायद चार्ज किया जाता है, तो मैंने मरकजी वजीर सुषमा स्वराज जी से नुमाइंदगी की थी कि शिया हाजी जो भी इस मुल्क में जो भी स्टेट से जितने भी हाजी होते हैं, चाहे वो 10 हो, 5 हो, 15 हो, 20 हो, उनके लिए एक ही फ्लाइट में अरेंज करना चाहिए। तो मुतालिबा सुषमा स्वराज जी ने कबूल किया, और सारे मुल्क में वो भी फार्मूला लागू किया गया है, क्योंकि हमारी मरकजी वजीर हर देश के नागरिक के लिए बेहतर से बेहतर सहूलत और उनके जो मुतालिबात हैं वो खास तौर पर गौर करते हुए काम करती हैं। तो मैं उस वक्त का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उस वक्त भी शुक्रिया अदा किया था, कि आज भी मुझे उम्मीद है कि कोई एक फ्रेमवर्क तैयार हो और जो भी जायरीन को यहाँ से एजेंसी ले जा रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं ले जाना, इसका एक समझो आप डिसीशन होना ज़रूरी है। तो इस जिम्मन में मैं मरकजी वजीरे खारिजा से मुतालबा करूँगा कि वो इस डिमांड को पूरा करें, और साथ ही यहाँ पर कई लोगों के इन्हें पासपोर्ट्स नहीं वसूल हुए हैं, जो जायरीन पैसे और पासपोर्ट देकर बैठे हैं। तो आज चुनाचे मैं और हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हाशिम हुसैन, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मैनेजमेंट हाशिम हुसैन दोनों गए थे जिमन में एक केएसएस के मसले में। तो मुझे पता चला कि वो सीसीएस को ट्रांसफर हुआ है केस। तो मैं ये चाहूँगा मरकजी वजीर सुषमा स्वराज जी से और ख़ासकर मरकजी वजीर दाखिला से, क्योंकि यहाँ का यानी जो पुलिस का रोल है यानी स्पेशली हैदराबाद में जो पुलिस का रोल केसेस की ताइब में चल रहा है, वो मशकूक के यानी शक के दायरे में आता है। क्यों यानी जो यहाँ पर यानी मैनेजर्स थे और जो यहाँ का जो स्टाफ था उनको बुक किया गया या नहीं वो भी पता नहीं, और ना उसकी सही ढंग से इंक्वायरी हो रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये डायरेक्टर जनरल पुलिस और पुलिस कमिश्नर से हैदराबाद सिटी इस जिमन में तवज्जो दें, और मरकजी वजीर दाखिला इस जिमन में कुछ ऑर्डर्स इशू करें, ताकि ये केसेस का मसला सिर्फ हैदराबाद या तेलंगाना या आंध्रा का नहीं है, बल्कि ये सारे मुल्क में पैसा वसूल किया गया है। तो इसमें मरकजी वजीर खारिजा और मरकजी वजीर दाखिला दोनों के इंस्ट्रक्शन ज़रूरी हैं, ताकि उसकी सही तरीके से इंक्वायरी हो, और जो जायरीन के पैसे और जो जायरीन के पासपोर्ट जो फंसे हुए हैं वो उनको वापिस आए, और जो भी खाती चाहे वो अल्ताफ हो या कड़पा के जो एमआईएम के प्रेसिडेंट है अली हो, या और भी जहां जहां पर भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो पैसा वसूल करें, पासपोर्ट करें वसूल करे हैं, उनके खिलाफ सक्सेसिव कार्रवाई हो, और उनके खिलाफ यानी जो गरीब जायरीन का पैसा है गरीब जायरीन तक वो जायरीन का पैसा पहुंचे और उनके पासपोर्ट पहुंचे, मुतालबा करता हूँ।